हाँ जी सर, क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में रजिस्टर्ड करा सकती है? यस। पहली बात, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होती है? जब वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी भी बातों से क्रिएट नहीं होती है, उसी तरीके से एलएलपी भी बातों से क्रिएट नहीं होती है। समझ में आया नहीं आया? जी सर, अब क्या कहता है, अगर आप लोगों को प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो आपको सेक्शन 56, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, सेक्शन 56 ऑफ एलएलपी एक्ट, किसका मेरे दोस्तों, एलएलपी एक्ट का सेक्शन 56 आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा विद द प्रोविजन ऑफ थर्ड शेड्यूल। एक थर्ड, हमारे पास तीन शेड्यूल भी हैं इसके अंदर, शेड्यूल्स क्या है, हाँ जितने भी हैं मैंने पूरे देखे नहीं है, अगर चार हैं, आप चार कह रहे तो चार हो गए, बातें नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ टोटल कितने हैं। चलो चार है तो चार होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो शेड्यूल्स में भी कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेट करने का, इधर सुन लीजिए, ये जो प्रोसेस है पार्टनरशिप को क्या करने का, सॉरी एलएलपी को बनाने का, वो कहां पर मेंशन है आपको, शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है बच्चों, चलो जी सर, एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन। अब क्या हर एक कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है या फिर भाई कुछ ऐसे कंडीशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी कंपनी एलिजिबल रहेगी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करने के, देखते हैं सर। कहते हैं प्राइवेट कंपनी मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी को अप्लाई। अब इस बार ये एक प्राइवेट कंपनी है, वो चाह रही है, मान लो मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, आरओसी को चाह रही है कि भाई मुझे एलएलपी बना दो। अब क्या होगा, कैसे वो अप्लाई कर सकती है एलएलपी में बनने के लिए? फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये है, प्रोवाइडेड जब जहाँ कहीं भी आएगा तो प्रोवाइडेड का मतलब होता है कंडीशन, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, कंडीशन। मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, आरओसी को कह रहा हूँ कि मुझे कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एलएलपी में, प्रोवाइडेड। अब वो आरओसी क्या कह रहा है, ठीक है जी कोई बात नहीं, आप एलएलपी बना लीजिए, लेकिन आपको कुछ बातें हमारी माननी पड़ेगी। समझ आया? जैसे आप लोगों को सब्जेक्ट चेंज करना है, आप एप्लीकेशन दो, गूगल फॉर्म फिलअप करो, यू हैव टू फुलफिल दी फॉर्मेलिटीज। आप जाके एडमिन वालों से सीधा नहीं बोल सकते भाई मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दे यार, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है, There is no security interest in its assets subsisting or in force at the time of application. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरी एसेट्स है, मेरे पास क्या होंगी, एसेट्स। देखो कोई नई फर्म नहीं बन रही है, फर्म पहले से है भाई, कंपनी पहले से है, और कंपनी रहती है तो उसकी क्या रहती है, एसेट्स भी रहती है, उसकी लायबिलिटीज भी रहती हैं, उसके शेयर होल्डर्स भी रहते हैं। जवाब दो बच्चों। अब मैं कंपनी हूँ तो ये मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैं कंपनी हूँ, मेरी खुद की एसेट्स हैं, कंपनी की बैलेंस शीट 12th क्लास पढ़कर आए हो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बीआर कैश इन एंड कैश आउट बैंक दुनिया भर की होती है, अरे बोलो यार। लायबिलिटीज की बात करें तो शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस और भी नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज सब कुछ रहता है। तो अब एक बात बताओ, आज मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं ऐसे जाके एलएलपी बना लूंगा? नहीं, ध्यान रखना, मुझे अपने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मुझे अपने क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आरओसी क्या कह रहा है, इधर देखेंगे सभी बच्चे, आरओसी कह रहा है सबसे पहली बात क्या है कि देर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन दी एसेट्स। जो आपकी खुद की एसेट्स हैं, एसेट्स मस्ट बी फ्री। एसेट्स क्या होनी चाहिए, फ्री। ऐसा नहीं है कि आपने उन एसेट्स के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज के लिए दे रखी है। जवाब दो बच्चों, बताओ, आपने मॉर्गेज लोन ले रखा है, बदले में आपने अपनी एसेट्स को गिरवी रख रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई आपने सिक्योरिटी वेंचर्स इशू ले कर रखे हैं, अगर आपने सिक्योरिटी वेंचर्स इशू कर रखे हैं तो फिर आपकी एसेट्स फ्री थोड़ी रही है। फिर तो क्या होगा भाई, वो जो डिबेंचर होल्डर्स उनके पास राइट है आपकी एसेट्स पर। तो पहला पॉइंट ये है, देर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी के लिए है, सबसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो। समझ आया? मतलब कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड डिबेंचर्स ये सब नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से समझना, द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी टू विच इट कन्वर्ट्स कंप्राइज ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड नो वन एल्स। इसका मतलब क्या है, इधर देखेंगे सभी बच्चे, तो मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, ये सारे के सारे मेरे शेयर होल्डर हैं। कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं या वो होते हैं, पार्टनर्स होते हैं,
मैं कंपनी में शेयर होल्डर रहते हैं, कंपनी में क्या रहते हैं, तो मैं कंपनी हूँ, कंपनी में आप मेरे सारे के सारे क्या हो, शेयर होल्डर। अगर आप जितने भी सारे के सारे शेयर होल्डर हो, दैट मस्ट बिकम द पार्टनर। किसके पार्टनर बनने चाहिए, LLP। समझ में आ गई बात है? उसके अलावा, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पार्टनर, समझ? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है, हम हमारी पहले से क्या चल रही, इधर देखो बॉडी लैंग्वेज से, पहले से क्या चल रही है हमारी, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड से हम क्या बनाने जा रहे हैं, LLP। वो ROC वहां बैठा हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब ROC क्या कह रहा है, बना ले भाई, कोई टेंशन नहीं है। एक्ट क्या कह रहा है, ROC को कुछ नहीं, ROC एक्ट के हिसाब से चलेगा। एड क्या कह रहा है, बना ले, LLP कोई नहीं है, जो मैं कंडीशंस कह रहा हूँ वो, जैसे आपके पास अभी भी राइट है सब्जेक्ट चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चेंज कर सकते हो खाली वही। अरे बोलो, जैसे BSc का पेपर है और जो भी आपके पेपर है, GE का कोई पेपर हो आपके पास, GE तो नहीं होगा तुम्हारे पास, ऑनर्स वालों के पास है, तो आप लोग बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। पहली कंडीशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सर कंपनी के सारी एसेट्स फ्री होनी चाहिए। कंपनी की कोई सी भी एसेट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्या है मेरे दोस्तों, मतलब सिक्योर नहीं होनी चाहिए एक तरीके से, यानी कि फ्री होनी चाहिए। कंपनी ने कोई लोन वोन ना उठा रखा हो सिक्योरिटी देकर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों बताओ, जो पार्टनरशिप फॉर्म, जो पार्टनर्स हैं, किसके पार्टनर्स नहीं, LLP के जो जो कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर है, कंपनी के जो क्या है, शेयर होल्डर, वो क्या बन जाने चाहिए मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे शेयर होल्डर, दैट मस्ट बिकम द पार्टनर्स ऑफ LLP। समझ में आ गई बात या नहीं? सर जी बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आप आगे चलो। द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज अफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज अफेक्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड एप्लीकेशन इज टू बी मेड इन ऑनलाइन फॉर्म नंबर 18। तो फॉर्म नंबर 18 पहले भी आया था, दोबारा से आ गया। ऑनलाइन फॉर्म में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे, ROC को ही दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रहता है स्टेट का, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज LLP इज टू बी सिचुएटेड। यानी कि हम लोग अपनी कंपनी से क्या बनाने जा रहे हैं, इधर देखो, कंपनी से क्या बनाने जा रहे हैं, LLP। तो LLP बनाने जाएंगे, ROC को देंगे, क्योंकि LLP का भी क्या रहता है, ROC रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसा नहीं है रजिस्ट्रार ऑफ LLP, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंपनी का ही रहता है, MCA की वेबसाइट रहती है कंपनी और उसका सेम ही रहता है बेसिकली, जो रजिस्ट्रार वगैरह है। तो आप क्या करोगे, जिस स्टेट में अगर आप क्या करने वाले हो, LLP रजिस्टर करने जा रहे हो, उसके क्या बोलते हैं उसको, ROC को, उसके क्या करोगे, ROC को फॉर्म नंबर, कौन से फॉर्म नंबर, 18 में अपनी एप्लीकेशन दोगे। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? अब वही वाली सारी की सारी चीज़ें रिपीट होंगी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में भी बताई थी। द एप्लीकेशन टू बी accompanied, एप्लीकेशन accompanied होगी, यानी कि एप्लीकेशन के साथ साथ आप क्या क्या लगाओगे बताओ सारे बच्चे। सर जी एप्लीकेशन टू बी accompanied बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। समझ आया कुछ नहीं है? अरे जवाब दो यार। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखते हैं। अरे कल मैंने एक बिल रखा था, ये रहा। तो ये मेरी एक एप्लीकेशन है, बातें नहीं सारे बच्चे बताइए, मुझे बताएंगे जल्दी से बेटा, यही सब आपके माइंड में रहेगी, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज, इमेजिनेशन, जितना पढ़ाई को इमेजिन करके समझोगे उतना ही मज़ा है, वरना कुछ नहीं है। कोई गाने तो है नहीं, कोई मूवी तो है नहीं, या कोई डांस तो चल नहीं रहा, नूरा फतेही का भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो सर जी आँख खोल के देखेंगे, बिल्कुल जूम करके देखेंगे, है ना? हाँ हाँ, मुझे एक बार बताओ सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बेटा बातें नहीं प्लीज। तो हम लोग चीजों को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था, क्या चल रहा है बताओ बेटा, कहानी क्या चल रही है हमारी, कंपनी को LLP में चेंज करने की। हाँ कहानी क्या चल रही है बताओ, कंपनी को LLP में चेंज कर, क्या क्या हो चुका है बताओ, वहां कौन बैठा हुआ है, ROC क्या कह रहा है, ROC बोलो क्या बना दो, ये एक्ट है, ये ग्रीन वाला बोर्ड हमारा क्या है, एक्ट है, इसकी बात मान लो। इसने क्या बोला, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ, रुको पहले बताओ, इसने कुछ कंडीशन, ये नहीं देखना क्या कंडीशन बताई, बहुत बढ़िया, एसेट्स क्या होने चाहिए, फ्री, और बताओ दूसरा, बहुत बढ़िया शाबाश, जितने भी ये हमारे शेयर होल्डर है ध्यान रखना, इसलिए मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि कंपनी है, ठीक है,
कहता सारे शेयर होल्डर क्या बनने चाहिए, पार्टनर्स। ये क्या है हमारी एप्लीकेशन, ये मैं आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ अब जी। और कौन से फॉर्म में, 18। अब मैं इस पे चाहता लिख सकता फॉर्म नंबर 18 में एप्लीकेशन हमें देनी है। क्या खाली एप्लीकेशन देने से काम चल जाएगा? कहेगा यार तूने एक्ट की सारी बात नहीं मानी, रुक जा एक मिनट आराम से। कह रहा नहीं नहीं रुक जा, पहले पूरा एक्ट पढ़ ले, बातें नहीं है। तो हम इस एक्ट से पढ़ते रहेंगे, जो जो चीज लगानी होगी इसके साथ अटैच कर करके फिर दे देंगे, चिपकाते हैं। समझ में आ गई बातें? नहीं आ गई? पेपर में भी चिपकानी है सारी बातें। हाँ कह रहा चिपकाते रहेंगे, इधर देखो। हाँ जी सर, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर, अंडरलाइन कर लो। ये सारे के सारे शेयर होल्डर मेरे को एक स्टेटमेंट देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे बताओ? इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द डेट, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, आप सारे के सारे मुझे एक स्टेटमेंट दोगे ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन द प्रेस्क्राइब्ड, जो भी फॉर्म होगा इसमें क्या क्या लिखा होगा, डेट, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। मतलब आप अपने ये इस स्टेटमेंट में यही रहेगा कि हम अपनी मर्जी से वी आर एग्री टू बिकम दी जो भी है मेंबर्स ऑफ दी LLP। चलो दूसरा क्या आ जाएगा इस एप्लीकेशन के साथ साथ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तीसरा क्या जाएगा, स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन कौन दे सकता है बच्चों? किसकी स्टेटमेंट? आइदर बाय एडवोकेट, एडवोकेट की चलेगी, कंपनी सेक्रेटरी CA, CS, CMA, या फिर कोई मेंबर भी चलेगा जो LLP वगैरह रजिस्टर्ड करता हूँ। पढ़िए ये बातें नहीं प्लीज। हु इज इन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द LLP, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। भाई ये क्या है, ROC बड़ा आलसी इंसान है। ROC कहेगा भाई मुझे बस खाली साइन करने हैं, फालतू से दर्द नहीं है भाई, मैं साइन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिएगा सब कुछ साइन है। तो एक बात बताओ, ये पहले से चेकिंग कौन कर ले रहा है? या तो CA, या फिर CS, या फिर CMA या एडवोकेट, वो ये देख रहा है। बातें नहीं, वो ये देख रहा है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड को LLP बना रहे हो, क्या सारे के सारे कंप्लाइंसेस पूरे हुए हैं? यानी जो एक्ट में जो बातें लिखी हैं, ये क्या है, एक्ट में जो बातें लिखी हैं क्या आप उन्हें उसके हिसाब से चल रहे हो या अपने हिसाब से चल रहे हो? पेपर में ध्यान रखना, जब आप लिख रहे होगे ना क्वेश्चन आएगा, तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ जितने बच्चे ढंग से, वैसे तो 99% बच्चे मेरी क्लास को काफ़ी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, 1-2% तो चलता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यही सब चीज़ें याद आ रही होंगी। वहाँ पर आपको ROC दिख रहा होगा, यहाँ ये बोर्ड, और फिर आप बना के चलोगे वहाँ सारी चीज़, ये सब याद नहीं रहने वाला। तुम्हें क्या लग रहा, तुम रट्टा लगा लोगे? रट्टा लगाना कोई मामूली चीज़ नहीं होती है बच्चों, रट्टा तो साइंस वाले लगाते हैं सबसे बढ़िया। अच्छा हाँ, नहीं साइंस वाले तो भाई सब रट लेते हैं, 3 इयर्स देखिए ना आप लोगों ने। चलो जी सर, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स। बच्चों बताओ, CA, CS, CMA, एडवोकेट, वो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ जी जो है इस वाले रूल्स की, इस वाले एक्ट की सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये नहीं, जवाब दीजिए प्लीज। चलो अब खाली इतना काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड जा रही है, इधर देखना प्लीज। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फॉर्म जाएगी ना, वो पहले से बिजनेस कर रहा है, बोलो हाँ या ना, तभी तो मेरी एसेट्स है, तभी तो मेरी कैपिटल है, लायबिलिटीज है, मेरे शेयर होल्डर है, तो मेरी पहले से सब कुछ चल रहा है। अब खाली इतने से काम नहीं चलेगा, एक ये और देना पड़ेगा, आगे पढ़ो, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ध्यान रखना बच्चों, कंपनी की एसेट्स, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप बोलते हैं बैलेंस शीट एक तरीके से। क्या बोल सकते हो यहाँ पर? बैलेंस शीट। कहता है सर जी आप कंपनी की बैलेंस शीट भी दिखाओ, और ध्यान रखना ड्यूली सर्टिफाइड एज ट्रू एंड करेक्ट, कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है ट्रू है, करेक्ट है। और भैया बैलेंस शीट तो कौन ही सर्टिफाई करता है? समझ में आ गई बात? ड्यूली सर्टिफाइड, बातें नहीं प्लीज। क्या पता अगले बैच में आओ तब तक मैं बन जाऊं, भगवान ने चाहिए तो। चलो जी सर, हाँ बातें नहीं है, नहीं इस बारी मई में एग्जाम दूंगा अच्छे से तैयारी करके। तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि 2 महीने छोड़ दूँ मैं, एक्चुअली ना मैं बीच में ना कोचिंग में बहुत ज़्यादा लग गया, वरना मेरा CA CPT एक ही बार में क्लियर है, IPCC भी मेरे बहुत ग्रुप्स मैंने एक ही बार में निकाले थे, और मेरे अकाउंट्स में 81 मार्क्स आए थे, कोस्ट FM में 61 मार्क्स थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे बस टाइम पास हो गया था, फिर बीच में कोचिंग में इतना ज़्यादा इंक्लूड हो गए कि बस अपनी पढ़ाई नहीं करी। फाइनल में जो बोलते हैं कि जितने एफर्ट्स चाहिए उतने एफर्ट्स मैंने नहीं लगाए हैं,
बाकी हाँ इस बारी पूरा ये रहेगा। इस बारी मैंने प्लान करा है कि मैं फरवरी तक, अभी यार रिस्पॉन्सिबल 12th का बैच चल रहा है, 11th फरवरी पैक कर दूंगा। मार्च और अप्रैल दो महीने अपने पास जो है रखूंगा। एक्चुअली घर जाता हूँ, सेंटर वेंटर में लग जाता हूँ, आपने देखा हो यूट्यूब बिजनेस दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। दो महीने वो सब छोड़ छाड़ के इस बार मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ। कोई बच्चा अगर यहाँ पे रह रहा हो, अगर आसपास में कोई फ्लैट वगैरह मिलेगा तो मुझे बताना, बातें नहीं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कहीं शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ हाँ, पीजी वीजी कोई मिल जाए, मतलब एक रूम का सेट हो और सेपरेट हो। हाँ पता करके बता देना, दो महीने के लिए, मतलब दो तीन महीने मैं सोच रहा हूँ यार ये एक सिरदर्दी और ख़त्म करूँ, थोड़ा लाइफ में अच्छा लगे। नहीं बिल्कुल, मुझे पता करके बताना, मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली। आसपास कोई बढ़िया हो और कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्लैट मिलेगा फ्लैट चल जाएगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ वहाँ से निकलूँगा ना सेंटर से, तभी थोड़ा ठीक रहे, वरना जाके ना बिजनेस में लग जाते हैं। आपको पता है बिजनेस बच्चे की तरह होता है, तो उसमें ना यार बड़ी दिक्कत है। तो थोड़ा दो ढाई महीने में ही भगवान ने चाहिए तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ पता करके बताना, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बताना जरूर आसपास में। चलो अच्छा, अब हम टॉपिक पर आ जाएं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया। यस ये वाली बात आ गई तो हमने डिस्कशन कर ली। इधर समझो, जैसे आपको अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, बातें नहीं, प्लीज जल्दी से एक मिनट में जो भी हमारा फ्लो टूटा है, जो भी हमारा, अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, को जो भी फ्लो टूटा है उसको ले आते हैं बीच में। कंपनी को हम क्या करा रहे हैं, LLP में कन्वर्ट करा रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन लग गई थी, बोलो आया ना, सारे शेयर होल्डर एग्री हैं और हमने कहा भाई एसेट्स हमारी फ्री है, ठीक है। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं, लोगों को। यहाँ कौन बैठा हुआ है, आरओसी क्या कहता है भाई, लोग सारी बातें फॉलो कर लो। अभी अपने एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगा जल्दी बताओ, ऐसे याद हो गई आपको क्या क्या लगाया बच्चों, बताओ। एक है हाँ, जो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर नेम, डेट, कंपनी की डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, शाबाश। हाँ बैलेंस शीट इधर देखेंगे, बैलेंस शीट पर हम आए थे, प्लीज बातें ना कीजिए। बैलेंस शीट इसके साथ हम तीन डॉक्यूमेंट लगा चुके हैं, बैलेंस शीट पर हम आए, बातें नहीं प्लीज। बैलेंस शीट आए सर जी, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट पर कोई भरोसा नहीं करने वाला, ध्यान रख। आरओसी कहेगा भाई तेरी बैलेंस शीट पर कौन भरोसा कर रहा है, कोई नहीं मानेगा, कुछ भी ऐड कर दो। कहता बैलेंस शीट पर साइन करवा के लाओ, स्टैंप लगवा के लाओ, सीए के बोलो आया जी सर, बातें नहीं। अरे यार समझा करो, तुम लोग ना फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाते। इधर देखो, मैं थोड़ा सोचता हूँ एंटरटेनमेंट हो जाए। द स्टेटमेंट शुड बी मेड अप टू अ डेट नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब स्टेटमेंट अप टू डेटेड होनी चाहिए, 30 दिन से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है तो उससे विद इन 30 डेज की आपकी क्या होनी चाहिए, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो बैलेंस शीट पर जो साइन वाइन करा रहे हो, वो पिछले 30 दिन की होनी चाहिए। आगे इधर देख लो, खाली आप शेयर होल्डर से नहीं पूछेंगे, खाली मेंबर से नहीं पूछेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज सीए का, एक और पर्सन है क्रेडिटर्स, कौन है, ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिटर्स को छोड़ दोगे, नहीं। बताओ क्रेडिटर्स क्यों है, जल्दी से बताओ क्रेडिटर्स क्यों है, पहले से क्यों है क्रेडिटर्स। उसका रीजन है क्योंकि यार हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है, हम कंपनी क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और कंपनी चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर जी क्रेडिटर्स भी होंगे, और वो क्रेडिटर्स को हमें क्या करना होता है, पैसे देना होता है, तो हमें उनकी भी अप्रूवल लेनी पड़े। ध्यान से समझो बच्चों, बताओ। तो कहता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कह रहा है इसके साथ एक लिस्ट और लगाओ, कौन सी लिस्ट लगाओ, क्रेडिटर्स विद द कंसेंट ऑफ टू द कन्वर्सन। कहता भाई इसके कन्वर्ट कीजिए, हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन, अरे जवाब दो बच्चों। द क्लियरेंस अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, अगर कोई और अथॉरिटी है, इधर देख लीजिए, मान लीजिए प्लीज मेरी तरफ देख लीजिए, मान लीजिए मैं होटल बिजनेस चला रहा हूँ, मान लीजिए मैं क्या चला रहा हूँ होटल, और मेरी होटल पहले कंपनी थी और अब क्या बन गई है LLP। तो होटल के लिए मैंने FCCI सुना होगा आप लोगों ने, फूड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी जो रहता है, MCD वालों से मैंने अप्रूवल ले रखी है, बातें नहीं। अगर आप होटल बिजनेस चला रहे हो, मेडिकल लाइन का बिजनेस चला रहे हो, तो उस केस में आपको, आप ऐसे नहीं है, आप अपने हिसाब, गवर्नमेंट की और भी अथॉरिटीज रहती हैं। तो अब वो कह रहा है, अगर कहता है भाई क्लियरेंस अप्रूवल परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी अगर है तो, अगर है तो समझ आया कुछ या नहीं है, बात दो कीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कंपनी बनाओ या LLP।
बातें नहीं प्लीज, अदर अटैचमेंट्स, इसके साथ साथ आप और भी क्या लगाओगे, ITR वगैरह भी लगाओगे। ये पेपर में आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप देखो, इसके साथ जो कागज लगाए हैं, बातें नहीं प्लीज, इसके साथ जो कागज लगाए हैं वो ऊपर नीचे करके आगे पीछे जैसे भी आपको याद आए वो आप लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्म नंबर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फाइलिंग फीस, भैया ROC के पास जा रहे हो तो नेसेसरी फाइलिंग फीस भी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एंड रजिस्ट्रेशन, प्लीज बातें मत किया करो, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रेस्क्राइब रेट्स, और साथ में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बातें नहीं है, समझा करो, बातें मत करो यार। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, अब हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। बताइए ROC के कानून तुम्हें पता ही, कल भी समझाया था इस बार। हाँ सर, रूम नंबर 10 में। अरे बोलो। हाँ सर, तो ROC क्या करेगा, देख लिया सही है तो बता दीजिए। सब कुछ सीधा ROC पर जाती है, जो अथॉरिटीज वगैरह चेक बैक करके वो भेज देंगे, और उसको लगेगा कि हाँ सब कुछ ओके है, विद इन 14 डेज के अंदर क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे बोलो, कहता है ऑन रिसीविंग द डॉक्यूमेंट द रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज देम, कल भी पढ़ा था हमने, चेक करेगा, स्क्रूटनाइज का मतलब देखेगा एक एक, एंड इफ ही सेटिस्फाइड विद द पार्टिकुलर्स और अदर इंफॉर्मेशन फर्निश देयर इन, ही विल रजिस्टर द LLP। अगर उसको लगा एवरीथिंग इज ओके, ठीक है जी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सब अपना काम कर रहा हूँ, सब कुछ ओके, जैसे आप यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा, सब कुछ ओके, साइन मारा, जी ले जाओ19 में इशू कर देगा, ठीक है, स्टेटिंग दैट एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP पर्सुइंग। तो देखो यहाँ से आप एक कंसल्टेंसी वाले भी चीजें कर रहे हो, कल कोई आपके पास आ रहा है, आपके रिलेटिव में कोई बिजनेस कर रहा है, भाई पार्टनरशिप बनाऊं, LLP बनाऊं, कंपनी बनाऊं, आपसे कोई पूछे पार्टनरशिप बनाने का प्रोसेस क्या है, जाओ। और मैं आपको बताऊं, आपको प्रैक्टिकली किसी को ज़्यादा शौक है सीखने का, कुछ मत करो, YouTube पे जाओ, हाउ टू क्रिएट LLP, वहाँ पर MCA की वेबसाइट आ जाएगी, बातें नहीं MCA, वो कोई किसी ने वीडियो बना के दिखा, तो आप LLP खुद भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। आई बात समझ में आई नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, डॉक्यूमेंट CA से बात करी, सर जी बस आपका ये काम है, आप ही वाला CA अपना काम करेगा, पैसे ले ले, एडवोकेट से हो गया, लो जी आपने किसी क्लाइंट की LLP रजिस्टर कर ली, जो ले लिए पैसे वैसे, थोड़ा समझ आया नहीं है। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो सब यही तो काम करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको बनना है तो बहुत अच्छी बात है, अभी आप डिटरमाइन करोगे, डिसाइड करोगे मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब सर जी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, अब आप क्या बन चुके हो, LLP। अरे बोलो यार, वो वाली बधाई नहीं जो आप सोच रहे हो, चलो जी सर, सर हम कुछ नहीं, द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन, अब सर इसके बाद क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज मेंशन इन द, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मिल गया उसी दिन से आप क्या बन गए हो, LLP बन जाते हो, तो आपके पास अलग बातें नहीं प्लीज। LLP comes into existence by the name specified in the certificate of registration. आज से आप LLP के नाम से जाने जाओगे, और जो आपका नाम certificate of registration में लिखा है उसी नाम से आप जाने जाओगे। All tangible properties, जितनी भी सारी की सारी क्या है, tangible पता है सब बच्चों को, which can be touched, which can be seen, which have a physical existence. What is intangible, which cannot be touched, which cannot be seen, which do not have any physical. गुडविल, पेटेंट्स, रेसिपीज, फॉर्मुलेज, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, ये सब क्या है हमारी इंटेंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, टेंजिबल। सर, ऑल टेंजिबल एज वेल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड, जो वेस्टेड का मतलब राइट होना, इन दी प्राइवेट कंपनी। इधर देख लो, हमारी बैलेंस शीट थी, बोलो हाँ या ना, किसने साइन करके दिए थे, किसको दिए थे, CA के साइन क्यों कराए थे, सब कुछ ट्रू है, ओके है या नहीं है, वरना ROC मानता ही नहीं, क्योंकि कुछ भी बना दो अकाउंटिंग तो हमारे हाथ में, बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, पहले वो जो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी जो भी थी वो किसके नाम से थी, कंपनी के नाम से, और अब वो सारी किसके नाम से चले, तो ये सब लिखा हुआ है, बातें नहीं प्लीज। All tangible properties as well as intangible property vested in the private company, all assets
इंटरेस्ट राइट्स प्रिविलेज लाइबिलिटीज बातें ना किया करो बच्चों, अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे बताओ सर? सर मज़ा आ जाएगा, दो दिन अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ाऊंगा, तीसरे दिन सोचोगे यार ये बंदा सही था, पढ़ा रहा था यार, सही करा रहा था, मज़े भी आ रहे थे, तो ये पढ़ाता ही नहीं यार, फ्री के पैसे ले रहा, ये बोलने लग जाओगे। प्राइवेट कंपनी एंड द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द प्राइवेट कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू एंड शैल वेस्ट इन दी LLP। समझ में आ गई? जो पहले किसके नाम से थी, देखो प्राइवेट कंपनी नाम से क्यों थी बता ना? अरे प्राइवेट कंपनी भी तो क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी भी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज सब कुछ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, बोलो हाँ है ना? सारा बेस मैंने पहले बना दिया था कंपनी का, पार्टनरशिप का, उसी को तो मैं यहीं पे यूटिलाइज करना है। तो सर जी अब बस हो गया इसके नाम से, विदाउट फर्दर एश्योरेंस, अब कोई एश्योरेंस एक्ट डीड की आवश्यकता नहीं है, LLP आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, कंक्लूसिव एविडेंस आ चुका है, कंप्लीट एविडेंस आ चुका है। कंप्लीट एविडेंस क्या है, कौन देता है कंप्लीट एविडेंस? आरओसी का इशू करता है, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? सर जी बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने वीडियो भी बनाई है आपके लिए, वीडियो भी डाल दूंगा, टेंशन मत लो। द प्राइवेट कंपनी इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड, बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज तो रहेगी, तो प्राइवेट कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी एंड इट्स नेम इज आल्सो रिमूव्ड। सर उसका नाम भी हटा दो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का नाम भी कहाँ पे था, ROC में। अरे बोलो यार, ये पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप का तो कहीं नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, बट प्राइवेट कंपनी का तो ROC में पहले से ही नाम था, अब वहाँ से नाम काट दिया जाएगा, और जैसे बच्चे ने सब्जेक्ट चेंज करा लिया, एक से हट जाएगा दूसरे में। बहुत बढ़िया सर, कहता है विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन ये आपका, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश